नमस्ते एंड जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों मैंने पिछले व्लॉग में जो आपको दिखाया था, जो कपास थी हमारी छोटी छोटी थी, तो एक मंथ के अंदर ये देख लें इनकी कितनी ग्रोथ हुई है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो जुड़े रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लें, धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हैं ये जो एक मंथ के अंदर जो हमारी कपास है, काटन के खेत हैं जो इतने बड़े हैं, तो इसमें जो हम इनको बोलते हैं ना, ये टींडे वगैरह बोलते हैं, ये जो हैं आपको मैं दिखाता हूँ, ये टींडे देख लें, इसको हम जो है पंजाबी में टींडे बोलते हैं, और उर्दू में जो है, उर्दू का पता नहीं लेकिन हम अपनी ज़बान में इसको गोगड़े बोलते हैं। तो ये जो है अभी 2 मंथ के अंदर ये तैयार हो जाएगी, इसके बाद आगे वो कपास है, सॉरी कमांद की खेत हैं, लेकिन वो कमांद जो है थोड़ा दूर है, और ये इधर से बादल भी आ रहे हैं, तो कमांद जो है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, और इस वक्त जो है मैं आगे आपको लेके जाता हूँ जो हमने बीजा हुआ है, झोना बीजा हुआ है, चावल भीजे हुए हैं, तो चावल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं सारी यहाँ पे, तो व्यूवर ये दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो है हमारी चावल के खेत हैं, और ये देखें यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे ये बीज भी निकल रहे हैं, चावल जो हैं ये बन रहे हैं अभी, और ये जो है तकरीबन 2.5 एकड़ जो है ये झोना है, और इसके बाद ये जो है छोटी छोटी चावल की पनीरी बीजी हुई है, तो इसके बाद मैं चलता हूँ, क्योंकि ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं ये जो है बादल भी आ रहे हैं, और बादल का कोई पता नहीं कभी बरसना शुरू हो जाए। ये जो है ये ट्यूबवेल चल रहा है, यहाँ से पानी यूँ आ रहा है, और ये सीधा ये जो है ना ये चावल के खेत है जो इसके अंदर जा रहा है, झोने में पानी जा रहा है ये,